दरख्वास्त में उनकी तरफ से कोई रोल नहीं है, जो रोल है वो सुधीर त्रिपाठी का बतौर अधिवक्ता और मंजू व्यास द्वारा। ये लोग कौन सा मलबा हटाने की दरख्वास्त कर रहे हैं अंदर कोर्ट के भीतर? देखिए वो कमीशन की रिपोर्ट के बाद क्लियर होगा, अभी इस स्टेज में उसको क्लियर करना सही नहीं। लेकिन अभी क्या कमीशन का रिपोर्ट कब आएगा, ये कब निश्चित होगा, कब निश्चित होगा? ये रिपोर्ट को लेकर के जो समय है, कितना समय कब दिया जाएगा, ये 4 बजे के आदेश में स्पष्ट होगा। तो 4 बजे अभी सुनवाई हो चुकी है, सुनवाई पूरी हो चुकी है, 4 बजे के लिए रिजर्व किया गया। 4 बजे यानी कि आदेश रिजर्व किया गया, आदेश रिजर्व किया गया। देखिए याचिका अलग शब्द है, ये एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन लगाई गई थी कि जो शिवलिंग बताया जा रहा है उसके बगल में, उसके सराउंडिंग में जो दीवार है, उस दीवार को जो है हटाया जाए, इसको लेकर के बात बनाई गई। लेकिन ये जो दीवार हटाने की है सुधीर त्रिपाठी जी ने लगाई मंजू व्यास की तरफ से, इसमें हमारा कोई राखी सिंह की तरफ से कोई रोल नहीं है। तो इसमें जो आर्ग्यूमेंट के लिए या किसी तरह के स्पष्टीकरण के लिए समय दिया जा रहा है ये प्रतिवादी पक्ष अंजुमन इंतजामिया को, उसके आने के बाद में आगे के आर्ग्यूमेंट होंगे। अभी केवल बहस की गई है सुधीर त्रिपाठी जी द्वारा उस दीवार के लिए, सामने अंजुमन इंतजामिया ने समय मांगा है। जो शिवलिंग की तस्वीर वायरल हो रही है उस पर अंदर क्या बातें रखी गई हैं? देखिए उसको लेकर के मीडिया ट्रायल को लेकर कोई बात ऐसी नहीं कही गई है। देखिए आज उस पर कोई आदेश नहीं आएगा, ऐसा स्पष्टीकरण के समय है, 2 दिन का समय हम मानते चलते हैं। सर्वे रिपोर्ट के लिए 2 दिनों का समय मिल सकता है जी? हाँ ये मिल सकता है, चार बजे आदेश स्पष्ट होगा। तो इस वक्त की अहम खबर ज्ञानवापी पर सुनिए। जो टेम्पररी स्ट्रक्चर है, दीवाल है या ईंटे पत्थर हैं, उसको हटा के जो दरवाजा है उसको खोल के अंदर जाने की इजाजत दी जाए, ये हमारी मांग है। उसमें माननीय न्यायालय अपना आदेश पारित करेगा, उसके लिए भी कमीशन की रिपोर्ट आ जाए। ब्रैकेटिंग के पश्चिमी द्वार, और ये देखिए ये जो हमने मांग की दो तरफ है, एक नंदी जी के सामने वाला तहखाना और एक पूर्वी पश्चिम के जो है दीवालों को बंद करके दरवाजों को बंद कर दिया गया। ब्रैकेटिंग के पश्चिमी द्वार जो है वहाँ तक कमीशन नहीं हो पाया है, कमीशन वहाँ तक संभव नहीं होना। एक ब्रैकेटिंग के पश्चिमी द्वार पर जो बंद है मां सिंगारगौरी के स्थान पर, उसको भी खुलवा दिया जाए, को खुलवाया जाए, मलबा हटवाया जाए। दीवाल नहीं यार, दरवाजा, दरवाजा जो दीवाल है, दरवाजा 19 से वहाँ पे स्थापित किया गया है उसका डायरेक्शन। पहले तो मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि वो फव्वारा है, अब आज अगर ये मान रहे हैं कि 2019 में स्थापित किया गया, तो ये एक नई कहानी, हम लोग को नहीं पता है इसके बारे में। पर जो भी है शिवलिंग है, हमारा कहना है कि वो शिवलिंग है, उस बात को प्रूफ करने के लिए आज हमने एप्लीकेशन दी है, और माननीय न्यायालय जो भी आदेश पारित करेगा वो आपको बताएंगे। तो जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, वाराणसी ज्ञानवापी मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है, शाम 4 बजे कोर्ट का फैसला आना है, क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास? मेरे वकील और विष्णु भैया बता रहे हैं, बस वही सही है। नहीं, हम लोग याचिका दर्ज, हमारे वकील से पूछ लीजिए, वो सारे भी बता देंगे स्थिति क्या है क्या नहीं है। तो इस वक्त की अहम खबर, ज्ञानवापी मामले में वजू खाने की दीवार गिराने की जो मांग हिंदू पक्ष ने रखी है, उसकी जो अर्जी है उस पर 4 बजे फैसला आएगा। तो इस वक्त का अहम अपडेट आ रहा है वाराणसी से, ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, अब जो हिंदू पक्ष की तरफ से वजू खाने की दीवार गिराने की अर्जी दाखिल की गई है उस पर 4 बजे फैसला आएगा। जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, क्या अपडेट है, 4 बजे ये अहम फैसला आएगा? देखिए 4 बजे अहम फैसला आएगा। इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमित प्रकाश हैं। अमित, आप अंदर थे, क्या हुआ, क्या कार्रवाई शुरू हुई और किस तरीके से ये अभी फिलहाल जो बात आई? देखिए सबसे पहले तो आपको ये बता दूं
सुनवाई के दौरान ये साफ कर दिया गया था कि तीन अलग अलग पिटीशन्स पे बात होनी है। एक पिटीशन पे दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने ये कहा है कि आधे घंटे में वो फैसला सुनाएंगे, इसमें कि दो दिन की जो मोहलत मांगी गई है रिपोर्ट को दाखिल करने के लिए उसमें क्या वो फैसला लेती है। अंकुर, इस वक्त हमारे साथ नित्यानंद राय हैं जो उस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद थे। नित्यानंद जी, आप पूरे बहस के दौरान अंदर मौजूद थे, बाहर थे, थोड़ा हम सुन रहे हैं, हां सुनाई पड़ रही, क्या क्या हुआ अंदर? पहले जो पक्ष के वकील अभय यादव हैं, उन्होंने कल जो ऑनरेबल कोर्ट ने जो सील करने का एक्स पार्टी आदेश किया था उस पर उन्होंने आपत्ति, स्ट्रांग आपत्ति दर्ज कराई। और ब्रैकेटिंग के अंदर पश्चिमी दीवार जो है वहाँ भी बंद है, उसको भी वो कर न्यायालय भी आदेश नहीं किए है यार, कमीशन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कमिश्नर द्वारा दो दिन का समय मांगा गया है। पक्ष जो है वो समय जो मांगे थे उस पर ऑनरेबल कोर्ट तो वो समय बट नेचुरल है कि देते हैं, लेकिन दोनों वकील कमिश्नर में भी कुछ डिफरेंसेस हैं, ये डायस पे दिखाई पड़ा, बहस में दिखाई पड़ा। देखिए, ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि जिन कोर्ट कमिश्नर्स को नियुक्त किया गया था उनमें आपस में भी इस बात को लेके जो डिफरेंसेस हैं वो क्या हैं, किस तरह के हैं, क्या उन्होंने जो रिपोर्ट दाखिल की है अभी वो रिपोर्ट अभी दाखिल नहीं किया, कोई लेके है, मतलब कुछ बिंदु पे वो है, फिर मीडिया तो कोर्ट उनको जवाब देने का टाइम देगा और एक डेट निर्धारित करेगा जिसपे कोर्ट अपना आदेश पारित। लेकिन राज्य में मुस्लिम पक्ष ने आज भी यही कहा है कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि फवारा है, एक एक करके यही पक्ष रखा आज भी। क्या कह रहे हैं मुस्लिम पक्ष ने आज भी यही पक्ष रखा है कि फवारा है, शिवलिंग नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने आज कोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं कही। अभी तो कोर्ट में जो हमने एप्लीकेशन दी मुस्लिम पक्ष ने कहा उसका वो जवाब देंगे और अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे, तब इसका फैसला हो, तो उसके लिए अब कोर्ट उनको टाइम देगी या जो भी निर्णय है वो कोर्ट करेगी। 4 बजे का इंतजार करना होगा और कोर्ट का जब ऑर्डर आएगा तो आप सबके सामने आएगा। एप्लीकेशन दायर की गई है उसमें किस तरह की सुनवाई हुई है आज? देखिए, आज जो हमने एप्लीकेशन दायर की थी, हमारे जितने यहाँ पे लोकल काउंसिल्स हैं, वकील हैं, सुभाष जी हैं, सुधीर जी हैं, सबने ये की कोर्ट के सामने कि अभी कमीशन थोड़ा सा अधूरा रह गया है और जो वजू खाने के नीचे एक रास्ता जा रहा है शिवलिंग तक, उसको वहां पे भी कमीशन करवाया जाए और जो व्यास जी के कमरा है उसमें भी एक रास्ता जा रहा है वहां पे भी कमीशन हो, तो वो दोनों बंद है मलबे से या लकड़ियों से या बाज बल्ली से, उन सबको खुलवाया जाए। नहीं, अब हम कोर्ट में बिलीव रखते हैं, इस देश की न्याय व्यवस्था में बिलीव रखते हैं और कोर्ट जो भी आदेश पारित करेगा हमें मंजूर है। अदर साइड जो है उसमें अपना ऑब्जेक्शन फाइल करेगा, उसके बाद दोबारा इसकी सुनवाई होगी, तो जो भी नेक्स्ट डेट है आप लोगों को पता चले। आज तो इसी बारे में फैसला आना है ना कि दो दिनों का वक्त दिया जाए कमिश्नर को, जी दो दिन का वक्त दिया जाए कि नहीं, और जो दीवार के लिए हमने मांग की है उस पे अभी कोर्ट क्या निर्णय करता है। कमीशन की वजू खाने के भीतर भी एक दरवाजा है जिसे चुनवा दिया गया, अभी कोर्ट उसमें निर्णय लेगा कि वो कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद उस पे फैसला देंगे कि उस पे अदर साइड से ऑब्जेक्शन मंगा के फैसला देंगे, ये कोर्ट के भी आदेश में क्लैरिफाई होगा। अब 2 बजे जब कोर्ट की कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो क्या हुआ अंदर भीतर, आप लोगों ने किस तरह से? मैंने आप लोगों को बताया कि हमने अपनी एप्लीकेशन फाइल की है और कोर्ट ने अदर साइड से ऑब्जेक्शन मंगाया है, अदर साइड अपना ऑब्जेक्शन दाखिल करेगा और दाखिल करने के बाद कोर्ट उसमें अगली सुनवाई करेगी। क्या मुस्लिम पक्ष की ओर से ये कहा गया कि अगर नीचे खुदाई की जाती है, मलबे को हटाया जाता है तो मस्जिद की दीवारें क्षतिग्रस्त हो सकती है? उन्होंने बात रखी थी पर उस पर हमारा यही कहना था कि ये टेम्पररी है, बहुत ही टेम्पररी है, क्योंकि दरवाजा ऑलरेडी बना हुआ है, तो अगर दरवाजे को हटाया जाए या मलबा वहां से हटाया जाएगा तो मस्जिद को किसी भी तरह की सो कॉल्ड मस्जिद को किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंच सकती है। दरवाजा मैंने जैसा आपको बताया वजू स्थान के जस्ट नीचे है और दूसरा दरवाजा जो नंदी है उसके जस्ट सामने जो व्यास जी का तहखाना है वहाँ पे है, जहाँ पे कमीशन की कार्रवाई अभी नहीं हो पाई है तो उसको हमने खुलवाने की मांग की है। भी भीतर भीतर अभी भी बहुत मलबा है, क्या उसके लिए भी मांग की गई आप लोगों के ऊपर से उसे हटाया जाए, वहाँ पे भी वीडियोग्राफी कराई जाए। अब ये माननीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है कि वो एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट आने के बाद इस पर निर्णय लेते हैं या अदर साइड से ऑब्जेक्शन मंगा के इस पर निर्णय लेते हैं, ये माननीय न्यायालय का अपना विशेष अधिकार है। दायरा बढ़ाया जाए या वो चीज को ऐसे भी माना जाए कि कमीशन का वक्त बढ़ाने की
मांग की? नहीं नहीं, वक्त नहीं बढ़ाने की मांग की, हमने सिर्फ ये कहा है कि जो थोड़ी सी जगह है जहाँ पे कमीशन नहीं हो पाया है, क्योंकि जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है वजू स्थान पे, जैसा कि आप सबको पता है एक शिवलिंग मिला है, तो उसको और क्लैरिफाई करने के लिए ये एप्लीकेशन आज हमने फाइल की है। सरकारी पक्ष की ओर से एप्लीकेशन फाइल की गई है जिसका आप लोगों की ओर से कुछ विरोध किया? देखिए, सरकारी पक्ष ने एप्लीकेशन फाइल की थी मछली को हटाने के लिए, उसके लिए हमारा कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है। हमारे वकील ने, हम सब ने यही कोर्ट के सामने पक्ष रखा कि हम सब जीव हत्या जीव रक्षक हैं और हम नहीं चाहते हैं कि किसी जीव की हत्या हो, तो उसको बचाने के लिए जो उसको बचाने के लिए जो उचित आदेश है वो कोर्ट पास करे। जहां तक दूसरी बातें हैं कि वहां पे वजू स्थान की बात है और दूसरा वहां पे जो वॉशरूम्स और टॉयलेट्स बने हुए हैं उसको यूज करने की बात है, तो उस पर हमारी आपत्ति थी, उसको शिफ्ट करने की बात कही गई है, उसको शिफ्ट करने की बात जी। आप ये चाह रहे हैं कि क्या उसकी पूजा करने की भी इजाजत आप लोग? अभी हमने ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं फाइल की है, जब एक बार पूरा कमीशन चलेगा। उसने दो दिन का समय मांगा है कि इतने में अभी रिपोर्ट तैयार नहीं की है उन्होंने, क्या दो दिन के समय को लेके जो मांग की गई है दो दिन के समय की, उसको भी लेके कोर्ट ने कोई फैसला किया है? अभी दो दिन के समय जो मांगा गया है इस पर वादी या प्रतिवादी की ओर से कोई आपत्ति नहीं है, तो उस पर जो भी आदेश करें कोर्ट साहब आदेश करें। अभी फिलहाल उस पर भी कोई फैसला नहीं हुआ, उस पर फैसला शाम तक आ जाना चाहिए या कल आ जाए, जो भी आ जाए। अब कोर्ट जो अपने हिसाब से फैसला करेगी, हमारे कहने से थोड़ी करेगी। एक और बात अंदर से आ रही है कि दो कोर्ट कमिश्नर्स में आपस में भी कुछ डिफरेंसेस की बात आई है और उसको लेके थोड़ी नोकझोंक भी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, संयुक्त रूप से रिपोर्ट दाखिल करने की बात आ रही है कि अलग अलग ना दाखिल करके संयुक्त रिपोर्ट दाखिल किया जाए, किसी एक की अध्यक्षता में दाखिल हो, ऐसा ही बात है। पहले था कि अलग अलग दाखिल होना? पहले के लिए भी ऐसा कोई स्पष्ट नहीं था, इसीलिए स्पष्टीकरण के लिए उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है। ये जो तीनों कमीशन के अधिकारी हैं उनके बीच में आपस में किसी तरह का डिफरेंसेस हैं रिपोर्ट सबमिट करने को लेकर, ये इस तरह के डिफरेंशन आ रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, ये केवल सुबह से मैं कह रहा हूँ लगभग तैयार है, लेकिन थोड़ी सी नजरी नक्शा वगैरह जो दो तल का, भूतल का और प्रथम तल का बनाना था वो नहीं समय पर उपलब्ध हो पाया, इस वजह से रिपोर्ट आज हम लोग नहीं कर पाए हैं। आज चेक करके लगभग रिपोर्ट तैयार है, आज चेक करके कल या परसों में जो माननीय न्यायालय आज नियत करेंगे तिथि, उस दिन हम लोग दाखिल कर दिया जाएगा। समय बढ़ाने के लिए भी मांग की थी? नहीं नहीं, वही एप्लीकेशन कर रहे हैं, आज या कल या परसों जो भी डेट लगाएंगे हम लोग फाइल कर देंगे। अभी उसमें समय नहीं पड़ा, अभी आदेश पारित करेंगे माननीय न्यायालय। बड़ी गर्मा गर्म बहस अंदर चल रही थी हम लोग जी, क्या जी, मैंने यह कहा कि निष्पक्षता पर कोई वादी या प्रतिवादी गण की तरफ से कोई जांच मतलब बिंदु नहीं उठा सकता, और दोनों पक्ष उपस्थित थे, दोनों पक्षों ने सहमति प्रदान की, जिसके प्रत्यक्षदर्शी गवाह घनश्याम मिश्रा जी हैं और अजय सिंह जी हैं जो हमारे सहयोग में हैं, ये भी थे, और दोनों पक्षों ने उस पर हामी भरी और कहा कि नहीं, आपने कमीशन की कार्रवाई पूरी ईमानदारी से और जो जो आदेश दिया था उसके उस आदेश का कंप्लायंस करते हुए, उसके अधीन रहते हुए, वो उस आदेश का पालन करते हुए कमीशन की कार्रवाई की है और शक्ति के बाहर जाके कोई कार्य नहीं किया है, बस यही मेरा कहना है। इसमें मैंने खुद पूछ लिया कि निष्पक्षता पे मेरे प्रश्न चिन्ह न उठे, इसीलिए मैंने कई लोगों को जो हमारी कमीशन की कार्रवाई थी उसे बाहर कर दिया था, उस बिंदु पे मैंने जवाब लिया था, तो उस पे कोर्ट दोनों पक्षों ने सहमति जाहिर की और माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन ने उस पे प्रशंसा भी किया। जी जी, उस पर एप्लीकेशन पड़ा है, वो ये न्यायालय की कार्रवाई है, उसमें वादी प्रतिवादी पक्ष का उसमें अहम भूमिका है, उसमें कोर्ट कमिश्नर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना मेरा कोई अधिकार है, ना मेरा कोई कर्तव्य है कि उसमें हम बीच में बोल सके। जो माननीय न्यायालय आदेश करेंगे उसका पालन किया जाएगा। अभी आदेश कब तक आएगा? अब वो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी थोड़ी देर में, एक घंटे में हो जाएगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.